राम आ गए, हमारे प्रभु राम आ गए। भाजी आप अयोध्या में हो और प्रभु के प्रसाद की बात ना हो, बात अधूरी रहती है। चंद्रा स्वीट्स 3 पीढ़ियों से लगातार इनका जो नैवेद्य है भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ता रहा है। 3 पीढ़ियों तक आपका, ये 3री पीढ़ी है आपकी जो प्रसाद आपके यहाँ से जाता है। क्या क्या प्रसाद में जाता है प्रभु जी? पेड़ा जाता है। पेड़ा जाता है, पेड़ा आपका मशहूर है। वो लगता जो पेड़ा ही जो लगता है, पेड़ा ही भगवान को, क्योंकि भगवान का अपार स्वरूप है वहाँ पर, और उनके लिए हम लोग स्पेशल एक छोटी साइज के पेड़ा बनाते हैं जो भगवान को भोग लगता है, वो आज के दिन जाएगा। वो पेड़ा है, जरा से दिखाइए कौन सा छोटा पेड़ा है। वो यही पेड़ा है और इसकी साइज को हम लोग छोटा करते हैं जो हमारे दादाजी के समय से जाता चला आ रहा है। दादाजी के समय से? बिल्कुल, यही लाल पेड़ा जी। बिल्कुल, हम लोग इसी पेड़ा को ही, कुर्चन पेड़ा है ये, इसी का भोग हमारे रामलला को लगता है यहाँ पर। क्या बात है भाजी, कुर्चन पेड़े का है। आपने खाया है पेड़ा? मुस्कुरा ऐसे रहे हो पाजी। प्रसाद का मतलब ही यही होता है कि चेहरे पे मुस्कान आ जाए, तभी वो प्रसाद होता है। तो ये 3 पीढ़ियों से लगातार चंद्रा स्वीट जो यहाँ पे राम पथ पर इनकी शॉप है, लगातार प्रभु की सेवा में रहते हैं। जब से मोदी जी यहाँ पर ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम ये हुआ है, और योगी जी जब से यहाँ पर आम जन आदमियों को वहाँ पर एक आरती करने का फैसला जो ट्रस्ट ने किया है, तब से हमारे पेड़े की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है और उसी को दिया जाता है प्रसाद के रूप में। शायद इन्होंने बताना उचित नहीं समझा कितने किलो कितना सामग्री गई है, लेकिन ये सच है कि प्रसाद इनके हाथ से जाता रहा है। पाजी बस ये तो बात सच है कि जो प्रभु को चढ़ेगा उसके कुछ तो गोपन होना चाहिए। जी आस्था के चरण और श्रद्धा से जुड़े हाथ प्रभु की प्रतीक्षा में, प्रभु के दर्शन के। कहाँ से आना हुआ? बगहा बिहार। बगहा बिहार आपका? राजस्थान। राजस्थान भिलाई छत्तीसगढ़। मैं बेंगलोर से आया हूँ। बेंगलोर से? कोई कर्नाटका से, कोई बिहार से, कोई कोई राजस्थान। कोलकाता से। कोलकाता दी के? ममता दी। ममता दी प्रयागराज इलाहाबाद। प्रयागराज इलाहाबाद। आपको कुछ कहना है? हाँ, हाँ। मोदी जी ने जो राम मंदिर बनाया तो दिवाली लिखा लाया, काली पूजो आज के, काली पूजो रामचंद्र जी घोड़े आसे। बाजी आज तो काली पूजा हो गया, यानी इनके लिए बंगाल के लिए काली पूजा हो गया, उधर राजस्थान के लिए क्या है आज का दिन? बहुत स्पेशल है, दिवाली से भी बढ़ के रही है। मोदी जी ने ऐसा दिन दिखाया, योगी जी ने मिलकर राम लखन की जोड़ी। जय श्री राम। और उधर कर्नाटक के लिए, कर्नाटक के लिए जय श्री राम। बस कहना चाहते हैं होली सब कुछ है यहाँ पे। दिवाली होली से? असम से। आप असम से? असम से। असम में कहाँ से? असम ग्वालपाड़ा। ग्वालपाड़ा से। कुछ क्या कहना है आज के लिए? आज के लिए पर्व दिवाली का है सर। हाँ, इससे ऊपर कुछ नहीं है, पूरा इंडिया एक है, सब राम में है। एक मिनट, हाँ बस सेल्फी भी बहुत जरूरी है। सेल्फी बहुत जरूरी है। और ये जो असल मुहूर्त है वो यही है, दोनों हाथ जुड़े हुए बगल में माथे पे त्रिपुंड और जय श्री राम। जय श्री राम। जय जी, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। पापा जी ये सुबह से चल रहा है, कहाँ से आए? देहरादून से। त्रिपुरा से। त्रिपुरा से। देहरादून से। त्रिपुरा से। देहरादून से। काशी काशी से। जय श्री राम। जय
बंगाल से। अच्छा की नाम? महाराष्ट्र से। केशव 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 अजी केशव आए हैं बंगाल से। हम कर्नाटक से आया। बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत देखने देखने वाले को बहुत खुशी होता है। बहुत खुशी की बात है। अरे खुशी की तो बात है, कहाँ से आए हो? जय के तो बोल नहीं पा रहे हो अब बाजी। घर घर मोदी। कहाँ से आना हुआ? राजनीति में साधु संत त्यागी न रहेंगे अधिकारी, तो राष्ट्र बेच कर भर लेंगे भंडार भवन भ्रष्टाचारी। दत्तम धरते लड़ने वाला कोई न महान मरत्री था, विद्रोह प्रथम करने वाला भारत का एक तपस्वी था, भारत का एक तपस्वी था। जो मानते नहीं इसे जन्मभूमि मातृभूमि, ऐसी मानसिकता का मुख मोड़ देना चाहिए। जो खाते हैं अन्न यहाँ का, गीत गाते दूसरों की, विश्व भरा पूर्ण खोल देना चाहिए। जो देश को बांटने को पड़े हैं रात दिन, ऐसी मानसिकता का मुख तोड़ देना चाहिए। क्या बात है। जय जय हो, जय हो। तमाम दूर दूर से तमाम आकर्षण आ रहे हैं, प्रभु के चरणों में तमाम सारे लोग अर्पित हैं। बाबा जी प्रणाम करता हूँ, मुनिवर प्रणाम करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। राम नाम मन दीप धरु, जी देरी द्वार तुलसी भीतर बार हूँ, जो चाहिस उजिया। जय जय राम, जय जय राम। प्रभु जी ये चाबियाँ कौन सी हैं? वो चाबियां तो सभी के पास है, चाबी के बिना कोई व्यक्ति है ही नहीं। लेकिन चाबियों की पहचान न होने से कभी उसी ताले की चाबी उसी ताले में लगा के भी फंसा देते हैं। मतलब कोई ताला कोई चाबी, लेकिन ताले की सही चाबी मिलेगी कैसे प्रभु जी? अरे मिलेगी, संत महात्माओं का ये देश था, अध्यात्म से मिलेगी, संतों की शरण में जाने से मिलेगी। तो महाराज जी ये चाबियां लगाई क्यों? इसीलिए बहुत कुछ मत जानना चाहे, कुछ तो आप स्वयं से अंतर में जा कर के देखें। मैं भी मौजूद हूँ अयोध्या धाम में। वैसे तो ताले वाले बहुत मिलेंगे, चाबी वाले बहुत कम। चाबी वो है जो रास्ता बताती है, और चाबी एक ऐसी चीज है जो आपके पास अगर आ जाए तो जीवन सफल मानिए। और अयोध्या सप्तपुरियों में अगर मैं देख रहा हूँ, या वाहेगुरु जी भी जय, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले तो निहाल, जय श्री राम। बाजी एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताएं, गुरु नानक देव महाराज जी यहाँ आए, नवम गुरु जी यहाँ, तेग बहादुर जी महाराज यहाँ आए, दशम गुरु जी यहाँ पर आए और यहीं पे गुरुद्वारा बना। और पाजी चाबियों का ये सिलसिला जो है सिर्फ यहीं तक नहीं, सनातन धर्म से तो है ही है लेकिन जैनियों के भी, ऋषभदेव जी महाराज यही पहले गुरु और उनके पुत्र भरत, और उसके बाद तो जहां तक जैनियों का सिखों का सनातनियों का है, सबने अपनी अपनी बात कही है। चाबी वहीं से है, कुंजी वहीं से है। बेहतर समझ के लिए आप एक बार पीछे दिखा। अच्छा जी महाराज, आज ही चाबियां लगाई हैं जिनकी वजह से आज का यह दिन। अजी चाबी के लिए आपको चारों तरफ जाना पड़ेगा, और चाबी एक ही रास्ते से नहीं मिलती, यानी आपको चाबी के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। अजी तमाम रंग बिखरे पड़े हैं अयोध्या में, बस एक बार दृष्टि उठाकर देखने की जरूरत है। महाराज कहाँ से आ रहे हैं? मध्य प्रदेश से आए। मध्य प्रदेश से आए। अच्छा,
जी भैया जी, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं। महाराज इधर कहाँ स्थान? इधर जा रहे हैं मणिराम दास छावनी। अच्छा महाराज जी, श्री धाम अयोध्या जी। तो क्या है अयोध्या में लग रहा है? अयोध्या में तो रामराज छा रहा है। छा रहा है जी। और उधर मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में भी रामराज छा रहा है। मध्य प्रदेश में रामराज है ही। अच्छा, राम जी विराजे तो चारों मध्य प्रदेश के पूरे विश्व में रामराज, विश्व में रामराज होना चाहिए। हाँ जी, पूरे विश्व में रामराज होना चाहिए। हाँ। और जिस प्रकार से अयोध्या जी में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली कल 22 जनवरी को, ऐसा हाँ। माहौल है पूरे देश में, पूरा राममय माहौल है। बड़े सौभाग्य की बात है, कितने 550 वर्षों बाद भगवान राम अपने जन्म स्थान पर बैठ रहे हैं, ये पूरे भारतवासी के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत गर्व की बात है। और बड़ा सनातन धर्म वापिस अपने परचम लहराएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। लो चेला सब बोल दिए, महात्मा सब चुप रहे हैं, महात्मा चुप रहे, चेला सब बोल दिए। प्रभु जी आज आपके दर्शन हो गए अयोध्या में, आज आज आपकी जो मधुर मुस्कान है वो क्या कह रही है? हम यही संदेश देना चाहते हैं प्रभु राम के इस रूप में कि प्रभु राम के मर्यादाओं को, आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए, और जिस प्रकार उन्होंने अपने पूरे जीवन में रामचरितमानस के पूरे अध्याय को संवारा है, उसी प्रकार आप तनिक मात्र भी उनके अगर आदर्शों को, नियमों को आप जीवन उतारेंगे तो आपका इस कलयुग में धर्म उद्धार हो जाएगा। और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है प्रभु राम के इस किरदार को, मैं पिछले 5 सालों से अयोध्या में इस किरदार को निभा रहा हूँ, और प्रभु की बहुत ही परम कृपा हमारे ऊपर कि उनके रूप को मुझे निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। आप बाहर भी जाते रहे हैं? जी बिल्कुल, हम अयोध्या से दिल्ली, चित्रकूट, गोरखपुर, लखनऊ, कई जगह पर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। माँ जानकी आपको प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। माँ क्या कह रही है? आज तो प्रभु के मुस्कान और माँ का जो सौंदर्य है वो अद्भुत है जी। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को जानकी माता का जी। प्रभु जी आप तो राम की परछाई है। लक्ष्मण का किरदार निभा के मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं देशवासियों को एक ही संकेत देना चाहता हूँ कि जैसे भगवान लक्ष्मण राम जी के साथ पूरा अपना राजपाट त्याग के चले गए थे, वैसे कि अपने छोटे बड़े भाई को हमेशा साथ देना चाहिए जी। क्या बात है, अद्भुत दृश्य है, अद्भुत दृश्य है, अद्भुत दृश्य है भाई। अम्मा कहाँ जा रही हो? राम मंदिर में जा रही हूँ। ऊपर कौन विराजे? ऊपर लड्डू जी। हाँ, लड्डू जी काना जी। लड्डू जी काना जी दर्शन कराने ले जा रहे हैं। कहाँ से आई है? हरियाणा से। हाँ? हरियाणा से। हरियाणा से पैदल है? नहीं, गाड़ी में, रेल में आई। अच्छा, हरियाणा से दर्शन कराने, आप भी कर लीजिए प्रभु जी। आपका नाम? संजय जैन। जैन साहब, ये आप जैन धर्म का प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर और उसका इतिहास बता रहे हैं? ऐसे हमारे लिए राम भी बहुत ज्यादा पूजनीय है और हमारे लिए हमारे अरहन देव ऋषभ देव भी बहुत ज्यादा पूजनीय है। हमारे ऋषभ देव जी का यहाँ पर आज से करोड़ों साल पहले जन्म हुआ था और हमारे 5 तीर्थंकरों का और जन्म हुआ है। ये 5 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण स्थली है जैनियों के लिए। हाँ, दो ही है, संवेद और ये, जैनियों के लिए भी और हमारे सनातनी भाइयों के लिए भी, सबके लिए बहुत ज्यादा पूजनीय है। पर हमारी पुरानी सरकारों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि इतनी पूजनीय जगह को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया। तो ये जैन धर्म का आप प्रचार यहाँ पर और हाँ। मुझे इतिहास यही है जो आप बोल रहे हैं, वो इतिहास है जी। प्रभु जी बढ़िया चल रहा है, सीताराम सीताराम चल रहा है, जय राम चल रहा है। हाँ जी, जय राम। हाँ, अरे प्रभु जी कैसे हैं? बहुत अच्छा। आप जी जनक शास्त्री जी, अरे जम्मू कश्मीर से आ गए, क्या बात है प्रभु जी? कथा वाचक है, कथा करते हैं। तो कुछ बताइए, रामचरितमानस की कौन सी पंक्ति अच्छी लग रही है आपको? पंक्ति कौन सी अच्छी? पंक्ति तो सभी अच्छी है। हाँ जी, आइए। एमपी 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 दमो दमो मत बोलो। अच्छा जी, गधा कितने किलो की? 7 किलो का। ये गधा कितने की है? 7 किलो। 7 किलो का। 7 किलो की परमानेंट साथ में रहती है 24 घंटा। उतरती नहीं है? उतरती है, जो सोते समय उतरती है। जहाँ भगवान बैठे हैं वहाँ रहते हैं, बाकी गधा हमेशा रहती है। कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं गधा साथ में लेके जाते हैं। क्या नाम हो गया? नरेंद्र दुबे।
नरेंद्र दुबे जी, दतिया नहीं, दमोह, दमोह से जिला दमोह, संभाग सागर जिला दमोह। जय हो। स्वागत के लिए अपार भीड़ है, लेकिन आज यहाँ पे दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए स्वयंपुर अखाड़ा पूरा उपस्थित है। जय हो महाराज जी। महाराज जी आज शैव अखाड़े भी आ गए, जूना अखाड़ा स्वयं आया है। ऐसा है समस्त विश्व का तीरथ का जल लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज जो है भागीरथी के रूप से गंगा जल लेकर आए। गंगा जमुना सरस्वती आज समस्त विश्व के नदियों का जल है और अयोध्या जी में अयोध्या में इसका वितरण किया जाएगा। और ये मानते हैं कि कहीं न कहीं नारायण का अवतार हुआ है, भगवान महादेव का, ब्रह्मदेव की इच्छा से देवताओं ने अवतार लिया जोगी मोदी के रूप में। महाराज जी आखिरी जोगी मोदी के रूप में जो जो बार बार कहते हैं कि कहते हैं ये विघ्न, कहते हैं ये विघ्न है, ये वो है, ये अनुष्ठान में ये कमी है। ऐसा है न कमी कुछ था न कुछ कमी है और न कभी कुछ कमी थी। क्यों राम मई संकल्प से प्रकट होते हैं, इसलिए आप जहां संकल्प करेंगे राम मई था और है और रहेगा। वो दो ही है, एक बार वंदे जो कोई ताके नरक पशुगति नहीं होई, एक संबित पर्वत और एक अयोध्या। सब भगवान का जन्म यही होगा, आगे भी 24 तीर्थन करोगे। अभी पांच जन्म भगवान के, पांच जन्मों की जन्मभूमि अयोध्या है। ऋषभदेव, अजित नाथ, अभिनंदन नाथ, सुमति नाथ और अनंत नाथ, पांच टोकों को ज्ञानमती माता जी ने पांचों बढ़िया मंदिर बनाए हैं। और ये जैन धर्म का पांच गुना जो मैंने कहा कि इसका महत्व है, हाँ। जो मैं कह रहा था वो यही है, हाँ। कि ये तो शाश्वत तीर्थ जो है, तो एक तो संबेद पर्वत है, हाँ। और एक ये अयोध्यापुरी है। जय श्री राम। हनुमान लला की, श्री हनुमान गढ़ी की, श्री पंडों का सरकार की, सत सनातन धर्म की। देखिए आज हमारे साथ यहाँ पे हनुमानगढ़ी के ठीक सामने पंडोकर महाराज जी मिल गए। लगभग दो ढाई महीने पहले मुलाकात हुई थी महाराज जी भोपाल में, लेकिन आज आपसे यहाँ दर्शन हुए। लेकिन महाराज जी बड़ी तमाम तरह की यहाँ पे लोगों ने बातें कही कि प्राण प्रतिष्ठा में ये समय का और समय के मुहूर्त का, और लोगों ने कहा शक्ति का, मूर्ति में शक्ति की कमी आ, तमाम तरह की बातें हुई, उस पर आपका विचार। ये विजय मुहूर्त के उपलक्ष्य में राम जी महाराज पूर्व से ही इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर, अयोध्या की भूमि में बसते हैं। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के रूप नहीं वो प्रतिष्ठित हैं, परंतु ये तो एक सम्मान के रूप में, जो राम जी को लोग कहते थे कि अयोध्या में राम जी नहीं बैठेंगे, वो एक साकार रूप में दिखाए जा रहे हैं। वैसे अयोध्या में ही राम जी रहते हैं, अयोध्या ही उनकी धड़कन है, अयोध्या ही उनकी जान है, अयोध्या ही उनका पार्थिव शरीर है। यहाँ प्रतिष्ठा के रूप नहीं प्रतिष्ठित है। मैं एक सवाल और, ये लोग कह रहे हैं कि शास्त्रोक्त है या नहीं? शास्त्रोक्त है, कोई शास्त्र नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है इसका। जो कह रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है? ज्ञान नहीं है। शंकराचार्य, मैं शंकराचार्य की बात नहीं करता हूँ, वो तो मेरे प्रधानमंत्री है, मेरे राष्ट्रपति है, वो सनातन धर्म के स्तंभ है। लेकिन राम जी अयोध्या में बसते हैं, अयोध्या उनका ही स्वरूप है। अयोध्या के राजधानी के राजा श्री राम जी महाराज हैं और वर्तमान के राजा हमारे हनुमंतलाल जी महाराज हैं। तो पहले से ही जहाँ राम हनुमान जी प्रतिष्ठित हैं, वहाँ राम जी पहले से ही प्रतिष्ठित हैं। बस जो विवाद था, बाद विवाद था, यहाँ सनातनियों की विजय हुई, धर्म पताका लहरा रहा है, ये त्रेता और सतयुग का दर्शन हो रहा है। और आज मंगल का दिन है, सबके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, ये हमें प्रेरणा मिल रही है। और हनुमान जी विराजमान है अयोध्या की भूमि पर, मंगल ही होता है। दीप से दीप जलाते चलो, प्रकाश में रहते चलो, और जब भी मंगल ज्योति जलानी पड़े उसमें कोई गलती नहीं। जय हो प्रभु जी, जय हो, जय हो। आशीर्वाद है, परिपूर्ण आशीर्वाद है। तमिलनाडु से आए हाँ, तमिलनाडु से, हाँ तमिलनाडु से। ये शैलापुरी आतीनम है, ये उमेयूर बाघा आतीनम से है ना, राम रवि कुमार स्वामी है। ये बहुत बहुत पुण्य कार्यक्रम है ना, ये बहुत बहुत जन्म जन्म का ये तपस्या है ना, ये राम लला, ये राम मंदिर का अंदर का चलेना, ये तपस्या बहुत बहुत तपस्या है ना,
ये बहुत पुण्य है ना, ये बहुत पुण्य का वक्त है, ये बहुत पुण्य का, जब हजारों पुण्य उदय होंगे तब भगवान का आज ये यहाँ आगमन है, और आगमन मतलब आपका आगमन है जो आप उसको दर्शन कर पाएंगे। प्रभु जी, जी मैं राम रवि कुमार तमिलनाडु से आ रहा हूँ, हिंदू तमिलर पार्टी का स्टेट अध्यक्ष हूँ। अयोध्या में हम आने के लिए पूर्व पुण्य है, क्योंकि पूरा भारतवासी लोग अयोध्या में है, अयोध्या में पूरा भारत देश का मैप में देखता हूँ, इतना लोग इधर आते हैं, वो पूर्व पुण्य है। उत्तर दक्षिण भेदभाव नहीं है, राम और अयोध्या तमिलनाडु को संबंध है, क्योंकि रामेश्वर है, राम जी का राज्य है, मोदी जी का राज्य है, आने वाला राम राज्य का राजा मोदी। जय श्री राम। अब्बा जी, तो देश दुनिया से तमाम सारे लोग यहाँ अयोध्या में आ चुके हैं प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। जय श्री राम। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ से? रामेश्वरम। तो ऐसे चले आ रहे हैं क्या? ऐसे ही। कितने हजार किलोमीटर? 4532 किलोमीटर। 4532 किलोमीटर। 4532 किलोमीटर, 4532। आप दोनों, आप कौन? ये पिताजी है मेरे, और ये पीछे कार में रहते हैं। और आप ऐसे चलते हैं? हाँ, मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। तो ये प्रण क्यों लिया? हाँ जी, 4532। बहुत बढ़िया। तो 4532 ऐसे चल के आए। रहने वाले कहाँ के हैं? आणंद गुजरात। आणंद गुजरात के? अब्बा जी, आणंद गुजरात के। गुजराती पिता पुत्र का संकल्प है। तो इसमें क्या क्या है गुरुजी? इसमें भगवान राम के वनवास टाइम के जो जो तपोवन था वो उसका मिट्टी है। अच्छा, जहाँ जहाँ पे वो गए वहाँ वहाँ की मिट्टी आप लेके आ रहे हैं। हाँ। तो ऐसा संकल्प क्यों लिया था आपने? क्योंकि भगवान श्री राम 500 साल बाद उनके फिर से पावन नगरी में विराजमान हो रहे 22 जनवरी को, तो उस खुशी को मैं क्यों फिर से कुछ अनोखी तरह ना दिखाऊं? थोड़ा गुजराती बोलो ना, थोड़ा आधा समझ में आएगा, थोड़ा गुजराती बोलो ना। तो जयरे भगवान राम 500 वर्ष पची फरी थी आवे छे एमना नगरी में, तो ए खुशी में हूँ केम कईक ना करूँ, ते माटे थईने मैं आ उद्देश्य राख्यो के भगवान फरी आवी रह्या छे, तो तेमनी तपोभूमि फरी थी लईने आवू। तो कहाँ से चल, कितने हजार किलोमीटर चल के आ रहे हैं आप? 4532 किलोमीटर। 4532 किलोमीटर। रोज कितने किलोमीटर चलते हैं? 70-80 किलोमीटर रोज। 70-80। भाजी कितना बोले ये? बहुत बढ़िया बोले। मैंने बोले क्या? 70-80 किलोमीटर रोज। 70-80 किलोमीटर रोज। हे प्रभु, तुम्हारे पैर बताओ कहाँ है। गजब है भाजी। पिता और पुत्र संकल्प यात्रा के तहत 4532 किलोमीटर इस तरह से चल के स्केट करके आए, अद्भुत है। कहाँ से आना हुआ आपका? अयोध्या से। तो आप तो कई किलोमीटर घर से आई यहाँ पर? 5-6 किलोमीटर। कहाँ से? एसएन पांडे दिल्ली से। भूल गए आप। लेकिन 4532 तो साफ बहुत हो गया। फोर्स भी देख के आपको सैल्यूट मार रही है। आपकी यात्रा मंगल हो। इस संकल्प था क्या, क्यों किया था? भगवान राम खुशी में करे कि भगवान राम 500 साल बाद उनके भव्य नगरी में उनका राम मंदिर इतना बड़ा। आप काम क्या करते हैं? पढ़ाई चल रही है, बीबीए ग्रेजुएशन किया, एमबीए करूंगा जाके फिर से। बीबीए एमबीए करेंगे जाके? पाजी ये बहुत देखिए, ये बहुत अद्भुत चीज है। पाजी कहाँ से आना हुआ आपका? फैजाबाद। यहीं लोकल के हैं। फैजाबाद लोकल? बहुत दूर हो गया फिर तो। पाजी ये अद्भुत यात्रा है, इसमें तमाम तरह के नैवेद्य को लेकर पहुंचे हैं लोग। गुजरात के आनंद के रहने वाले हैं, लेकिन सेतु बंदर रामेश्वरम से चले हैं अयोध्या की, जो सप्तपुरी है उसमें से अयोध्या भी एक पहली पुरी है, वहां तक आए हैं। 4532 किलोमीटर सिर्फ स्केट करके आए हैं। कितने दिन लगे? 72 दिन। 72 डेज। 72 दिन। हर जगह की इस कलश में माटी लेकर आए हैं,
पुष्प है अर्पित करेंगे। ये पाजी जो बार बार गिलहरी आप कहते हैं ना कि ये मेरा गिलहरी संकल्प है, गिलहरी संकल्प है, देखना है ना। तो क्या नाम है आपका? अगस्त्य। अगस्त, और ऋषि जब अगस्त है तो क्या कहेंगे। और आपका? घनश्याम। घनश्याम, ये दोनों लोगों का संकल्प देखिए और फिर आपको समझ में आएगा कि गिलहरी संकल्प क्या होता है। आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद, जय हो, जय श्री राम। मैं जानता नहीं था लेकिन संत एक आए, उनका आगमन हुआ और एक हलचल सी हुई और मैंने पूछा कौन है, बोले कि जगत गुरु राम भद्राचार्य। और उससे पहले कि वो अंदर जाएं गेट के, वो सारे मीडिया के पास आए, और वो समय था जब आंदोलन चरम पर था और रणनीति बन रही थी, बैठकें होती थी। गुरुजी मीडिया के पास आए और मीडिया से बोले कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम लोग प्रतीक्षारत रहे, कुछ डेढ़ दो घंटे बाद वो फिर लौटे। और मैंने एक प्रश्न किया था कि महाराज जी मंदिर बनेगा, तो जवाब था संघर्ष है लेकिन अवश्य बनेगा। और तब से अनवरत वो यात्रा आज अयोध्या में मौजूद है, अयोध्या का यज्ञ पूर्ण हो रहा है और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के साथ एक बार फिर सानिध्य का मौका मिला। गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान ने दिवो। गुरु जी आज सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं कि बैठकों में एक लंबा संघर्ष था, जो आपने उस समय कहा था संघर्ष है लंबा है, लेकिन आपको पूरा पूर्ण विश्वास था? पूर्ण विश्वास था कि मंदिर बनेगा। वो ऐसी कौन सी चीज थी? मेरा विल पावर। वो ये कहता था और उस समय तमाम सारी बाधाएं थी, लेकिन उसके बावजूद आपका ये जो विल पावर था, यह कहता था कि मंदिर जरूर बनेगा। मैंने समय भी बता दिया था कि 2019 के 6 दिसंबर के पहले निर्णय आ जाएगा और 2024 की जनवरी तक रामलला जी गर्भगृह में प्रवेश कर जाएंगे। ये अंतर चक्षु निश्चित रूप से इसने आप स्पष्ट देख रहे थे, आपको कोई संदेह लग रहा था, बैठकों में संशय था कहीं कुछ? नहीं, और लोगों को राहों का पर मुझे नहीं था। और लोगों को था? और लोगों को था, लेकिन आपको कतई संदेह नहीं था? नहीं। आज जब पूरा राममय पूरा वातावरण है, राम को लेकर तमाम, कहीं कोई संशय नहीं रह गया है, आज आपकी सबसे प्रथम आप किसको याद किसको करना चाहते हैं? हाँ, राम के यज्ञ में आए हैं तो राम ही है, सर्वोपरि है, लेकिन आप याद किसको करना चाहते हैं? सर्वोपरि श्रेय जब देने की बात आए, दो लाख उन हिंदुओं को जिन्होंने बलिदान देकर हमें वरदान दे दिया, उन हुतात्माओं को याद कर रहा हूँ। महाराज लोगों को दिमाग में एक बात है, क्या यह विशेष कोई समय था जिसको स्वयं राम ने चुना या ईश्वर ने चुना था? निश्चित रूप से ये मुहूर्त ने चुना, भगवान राम ने चुना, ज्योतिष शास्त्र ने चुना, वैदिक वाङ्मय ने चुना, संतों की तपस्या ने चुना और ऋषियों की नमस्या ने चुना। किसको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं, किसको लगता है कि वो होते तो शायद सबसे अच्छा होता? मैं अशोक जी को, अशोक सिंघल जी को। हाँ। और जब आप आते थे उन बैठकों में विश्व हिंदू परिषद की और उसके बाद आप निकलते थे तो चेहरा आपका मुस्कुराता ही हुआ दिखता था। क्या कहूँ, आज वो नहीं है तो मन पीड़ा है। और राम के इस पूरे आंदोलन में, राम के पूरे आंदोलन में अब तरह तरह की चीजें आई, तरह तरह की बातें कही गई, लोगों ने यहां तक कहा कि मस्जिद गिरा के मंदिर कैसे बन सकता है। सारी बातें पक्षहीन हैं, मस्जिद को गिराया नहीं गया, पहले उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी जी, तो हमने अपना मंदिर बना लिया, वो तो ढांचा था उनका, वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, 49 से अब तक कभी नमाज ही वहां नहीं पढ़ी गई। आज क्योंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा है,
फिर किसी दिन और तमाम सारे बातें। गुरु जी कुछ कहना चाहते हैं आज? सबका मंगल हो, भगवान राम सीताराम जी की सब पर कृपा बरसे और हमारा भारत अत्यंत शीघ्र प्रथम सत्ता संपन्न बन जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। जो 108 यज्ञ कुंड चल 1008 यज्ञ कुंड चल रहा है इसमें, इसका इसका सिर्फ एक ही मंतव्य है कि जो पीओके है वो पीए को वापस भारत को मिले, इसकी मंगल कामना गुरु जी ने यहाँ से की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। साधु संत समाज जो मौजूद है, इधर आ जाइए, सब लोग किनारे इधर जाइए। साधु संत समाज का, आप सारे म्यूजिक वाले अब बाहर ही चले जाए सर्कल के, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी कहाँ से, कहाँ स्थान हो गया आपका? हरियाणा पलवल। पलवल हरियाणा से महाराज आए हैं। महाराज प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कहाँ से आपका स्थान हो गया? काशी से आया हूँ। आराध्य के यहाँ से। ठंड तो बहुत है महाराज जी। हाँ ठंड है, बहुत है। कुछ कहना चाहते हैं आशीष वचन? कलंक रूपी ढांचा मथुरा और काशी की भी बारी है, अभी हम लोग इसी की तैयारी में। अब तक होता के नॉट प्लेस में तो माइक चला गया था खट से बाहर भाई, जब तक कान कम सुनाई पड़ रहा है इधर लगा हम के महाराज जी बोल क्या गए पूरा। कोर्ट में है मसला, कोर्ट के द्वारा फैसला आने दीजिए महाराज जी। इतना सब्र तो आपने यहाँ 500 साल की लड़ाई थी तो 500 साल का सब्र। 500 साल तक यहाँ पे आक्रांताओं के कलंक को मिटाने में 500 साल लगा है, कुछ दिन और इंतजार करेंगे महाराज। जो फैसला होगा कोर्ट करेगी, सर्वोपरि है वो। हमारा देश का आईन, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। चुपचाप खड़े रहना, क्या है? आपके लिए चुन्नी लाए हैं। पहले पूछा नहीं तो अब सोच रहे थे थोड़ा घुस दे तो शायद पूछ लेंगे। रोजगार को लेकर कुछ बोलना चाहते हैं? अभी आ रहा हूँ खड़े रहो। जय हो प्रभु। तो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, जो कोर्ट के द्वारा आएगा, वही मान्य होगा। कैसे हैं आप? खूब बढ़िया भैया जी, आपको देख के एकदम सामने आ। कौन सा जिला? जिला जस्ट सरी उस पार, गोंडा। गोंडा बस्ती बहराइच। जय हो, कुछ कहना है बोलो। 1526 से सपना देखते देखते 2024 में आज को सबको सपना दिख रहा। 15 कहाँ से आना हुआ प्रभु जी? मुंबई से। मुंबई। वेरी गुड जी। क्या नाम है? निवेश शर्मा जी। क्या करते हैं आप? मेरा अभी डिग्री खत्म हुआ, मैकेनिकल इंजीनियर। पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, पूरी दुनिया से तमाम सारे पेशे के प्रोफेशंस के लोग मुझे मिले महाराज जी। और ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात का प्रतीक है कि राम जो है श्रद्धा का केंद्र, कितना बड़ा श्रद्धा का केंद्र, केंद्र बिंदु कहना चाहिए वो ज्यादा उपयुक्त शब्द है, केंद्र बिंदु है श्रद्धा के। तो आस्था के चरण जो है वो अयोध्या की तरफ चल दिए, बड़े दूर दूर से लोग। मुझे कल कोई न्यूयॉर्क से मिला, कोई कैलिफोर्निया से आया था, कोई यूरोप से आए हैं, बहुत सारे लोग। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। मैं भी खुश नसीब है कि हम आए अयोध्या से पावन प्लेस में और राम के दर्शन करना चाहेंगे। पर एक ही चीज बोलना चाहूंगा, चाहे यूएस में राम भक्त हो, चाहे यूरोप में राम भक्त हो, या इंडिया में राम भक्त हो, सबकी गर्व की बात है। 22 जनवरी 2024 ये सिर्फ एक दिन नहीं है राम के लिए, बट जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ, जो चाहे कोई भी इंसान हो, भगवान भी कोर्ट में आके उन्हें न्याय मिला है, उसी चीज को ये दिन सबके लिए याद रहेगा। और भारत अभी जो 20 साल पहले अगर आप सोचते होंगे तो ये राम का पॉलिटिक्स चलता था, अभी जो सरकार है मोदी और योगी ने जो काम किया है उनकी वजह से जो काम मुमकिन हुआ है, उनने अपनी गद्दी के बारे में नहीं सोचा, उनने संघ, जय श्री राम, उनने ना अपने गद्दे की बात सोचा ना वोट का बात सोचा, उनने न्याय दिया एक भगवान को। जो क्या नाम है आपका? निवेश शर्मा। निवेश नाम है इनका, मैकेनिकल इंजीनियर है, मुंबई से आए हैं। कहाँ लड़ाई कर रहे हैं? अरे कहाँ, आइए 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 आइए, अभी तो आगे आने के लिए लड़ी जा रही थी आप। हाँ, रास्ता चाहिए। अच्छा। हाँ महाराज जी, कहाँ से आना हुआ? एमपी। क्या मध्य प्रदेश? इतना ठंडा पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश नहीं बोला जा रहा।
एमपी चल रहा। अरे मध्य प्रदेश बोलो ना पूरा, इतनी ठंडी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ से? वह शाजापुर जिला है। शाजापुर जिला, शाजापुर जिला, अरे क्या जिला है, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से? पारादूस से, पारादूस से है जी। ये मैं प्रसाद वितरण कर रहा हूँ फ्री में, मतलब ये भोग। ये कौन सा प्रसाद है भैया? ये शुद्ध देसी घी का बना हुआ ये प्रसाद है, पारस का, पारस कंपनी का। अरे तो बांटिए सबको, हमें कहे दिखा रहे बार बार, बांटिए कहाँ से? आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवनीत सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ, पारस कंपनी से हूँ। और इसमें क्या है? ये शुद्ध देसी घी का लड्डू है। अच्छा, तो लाए हैं? हाँ लाए हैं। कहाँ से? दिल्ली से आया है। अच्छा सुनिए, आप तो आज बांट के सब निकल जाएंगे कि रोज बांटेंगे? नहीं, रोज रोज नहीं बांटेंगे महाराज जी। हमको तो वो आदमी चाहिए जो रोज बांटे प्रसाद। चलो अच्छा ठीक है, बांटो भाई, बांटो सबको, तो बांटो भाई, सारे लोग बांटो। और कहाँ से? रुको, व्यवस्था बना के रखिएगा महाराज, आराम से बांटिएगा, आराम से बांटिएगा, मेरी व्यवस्था मत तोड़िएगा, मेरी व्यवस्था मत तोड़िएगा। लड्डू खिलाइए चाहे पूड़ी खिलाइए। हाँ नमस्ते, खड़े रहिए जी। कहाँ से हैं बाबू जी? प्रतापगढ़ से आए हैं। प्रतापगढ़ तो बगल में ही हो गया, गंगा महाराज, गंगा जी के निकाल बगल में। तो बोलिए क्या कहना है महाराज जी? बहुत अच्छा लग रहा है राम जन्मभूमि। महाराज जी कौन? आप। हाँ जी महाराज जी, जी महाराज जी बोलिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, हमारे जन्म सफल हो गए राम जी के नगरी में आके, बहुत आनंद। भक्त लोग लोग पूछते हैं कि भक्त कैसे, लोग पूछते हैं कि भक्त कैसे होते हैं? भक्त ऐसे ही होते हैं, निश्चल भाव से, निश्चल भाव, निश्चल भाव। बोले मेरा जन्म सफल हो गया, मैं एक बार अयोध्या आ गया। खड़े रही चुपचाप, ये कान खींच के उधर लगा दूंगा। चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो। कहाँ जाए हो? झारखंड। मैं समझ गया था तुम झारखंडी हो, एक बार बात समझ में नहीं आती तुम्हारे। खड़े रहो चुपचाप। तो आराम से, आराम से। तो आए थे प्रतापगढ़ से, कौन कौन आया? हमारी धर्म पत्नी, मेरा राम जी नाम है इसका, लक्ष्मी, हम कहे चलो महाराज जी के। अरे चचा कहाँ खड़े हो? अरे आओ आओ आओ, आजा आजा आजा। अरे आपके लिए नालंदा से आए हैं। हैं? हाँ नालंदा से जी, राजगीर नालंदा। हमसे मिलने? हाँ अकेले मिलो, अकेले। हाँ जी महाराज जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं एमपी से मंदसौर जिला से आया हूँ। मंदसौर से? जी सर। वहाँ की खेती के बारे में भी मुझे मालूम है, बढ़िया खेती होती है वहाँ पे जी। मंदसौर के बारे में? अफीम की। जो ये नशा है यहाँ पे वो है राम का। अरे प्रसाद वाले कहाँ गए? नशे से याद आया। हाँ प्रसाद बढ़ गया, बढ़ गया सर, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। तो कहाँ से आए थे आप? हम दिल्ली से आए हुए हैं। शुद्ध देसी घी का, देसी घी, पारस का लड्डू था। लड्डू था महाराज जी, आपको मिला ये शुद्ध देसी घी वाला लड्डू? तो पारस देसी घी का वो जो लड्डू, देसी घी का लड्डू था, शुद्ध देसी घी का लड्डू था वो, पारस का, पारस का। तो भैया उनको भी दो, महाराज जी को भी दो, दे रहे हैं। हाँ आराम से बांटना लेकिन। हाँ जी, हाँ जी, मैं किधर था, आपसे बात कर रहा था। जय श्री कृष्णा बोला आपने, मंदसौर से कुछ कहना है आपको मध्य प्रदेश से? जी क्या बोलिए? मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, अगर अयोध्या मथुरा का काम अगर कांग्रेस कर देगी तो हम उनके साथ हो जाएंगे। गजब है भैया तुम्हारा लोगों का भी हिसाब किताब, जो बोले इधर वाला काम करो तो उधर, उधर वाला करो तो इधर। हाँ जी, अब किन बार चार सौ पार, दिमाग से 24 घंटा यही घुमा करता है। भगवान के नाम हो रहा है तब भी 400 पार, भगवान का नाम चल रहा है, 400 पार, 400 पार, 400 पार। कहाँ से आए हैं? संत कबीर नगर से। अब की बार 24 घंटा सीताराम सीताराम कहो तो तर जाओगे। कहाँ से आना हुआ साहब? अयोध्या से हूँ मैं।
क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश जी क्या काम करते हैं? व्यापार है अपना यहाँ। व्यापार है बहुत बड़े, तो व्यापार तो बढ़ा होगा कुछ? हाँ जी जी, प्रभु राम की कृपा से बहुत बढ़ गया है। क्या काहे का व्यापार है आपका? रेस्टोरेंट है, है? रेस्टोरेंट है एयरपोर्ट के सामने। रेस्टोरेंट है? जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह, तो रेस्टोरेंट का काम तो बढ़िया चल रहा है जी। आइए आपको कुछ खिलाया। अच्छा, पहले की बिक्री और आपकी बिक्री में कितना अंतर है? दुगना तगना हो गया है। सही बताइए मुझे। सही बता रहे हैं आप, इनकम टैक्स वाले नहीं है। राम जी की बहुत कृपा है, दुगना तगना हो गया। हाँ जी, दुगना तिगना हो गया है। दुगना? जी जी, दुगना हो गया है। दुगना की तिगना? दुगना दुगना। पहले कितना था? पहले हाथ था, दुगना हो गया। कहने लगे इनकम टैक्स वाले तो नहीं, लेकिन दुगना तिगना हम फंसा देंगे। अगला पता चला कोई आ गया। नहीं महाराज जी, आपका धंधा, आपका काम, यश, आपकी कीर्त, अयोध्या वासियों का त्याग सर्वोपरि है। आपका आपका आतिथ्य सत्कार बहुत अद्भुत है। अयोध्या पहचानी नहीं जा रही है। और अयोध्या तो नहीं हो गई, आज हम लोग बहुत दिनों बाद आए हैं। फैजाबाद वाले वैसे अयोध्या कम आते थे, हाँ। लेकिन हम लोग परसों से आ रहे हैं। हमारे मित्र हैं दिलीप भाई, संजय भाई, सारे लोग, सारे व्यवसायी हैं, ईंट भट्ठे का काम है, हाँ। और सारे लोग आ रहे हैं। अयोध्या बिल्कुल बदल गई है। अब तो कंस्ट्रक्शन वाला काम अच्छा चल रहा है। मैं फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पहले कोरोना पीरियड में हम लोग का धंधा पूरा चौपट हो गया था। कोरोना पीरियड के बाद जो यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं बहुत लाजवाब। बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। मैं आया नीति जी, आप तो आप क्या कहेंगे, बस अद्भुत दृश्य चल रहा देख रहे सब। आ गए भाई दृश्य, चुपचाप चुप खड़े रहो। हाँ जी, सनातन के सत्युग का आगाज कलयुग के अंदर अगर किसी तारीख को हुआ है तो 22 जनवरी 2000। क्या बात है, क्या बात। आज अयोध्या का विकास भी हो रहा है, वहीं हमारी संस्कृति का भी विस्तार हो रहा है। वहीं भारतीय संस्कृति को न केवल देश में लेकिन विश्व की पृष्ठभूमि में, जो हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, उस संज्ञा की तरफ भारत आज आगे बढ़ चुका है। ये केवल राम मंदिर नहीं बन रहा है, ये वो प्रतीक है जहाँ पे कारसेवकों के बलिदान की आज उस आहूति का एक नया, जो अग्नि, जो सूरज, जो यज्ञ हमने प्रारंभ किया है, इस यज्ञ की ज्वाला बढ़ती रहे और यहाँ पे मथुरा और काशी तक न रुके, लेकिन उसके साथ राम के चरित्र का चरितार्थ भी अगर हम करने लगे तो तभी राम राज्य को हम। बहुत सुंदर बोला आपने। ये बात सच है कि जहाँ आप आते जाएं, वो यज्ञ में शरीक होते जाएं, तो भाषा का अनुष्ठान होता जाता है। अभिनंदन है, आगे आओ, मैं बहुत देर से तुम्हारा हाथ देख रहा था। क्या नाम है? मेरा नाम अदिति सिंह है, हाँ। और मैं एक अयोध्या वासी हूँ। और एक अयोध्या वासी होने के नाते मेरा सबसे, जो लोग अयोध्या में रह रहे हैं उनसे मेरा ये निवेदन है, ये कहना है। बहुत जबरदस्त बात बोलती हूँ भाई। क्या नाम है? मेरा नाम अदिति सिंह है। अच्छा, किस क्लास में है? 7। अब आप वहाँ से बोलिए, हाँ, क्या कहना है? जी, मैं देख रही हूँ कि तो मेरा ये कहना है कि जो मैं डेवलपमेंट देख रही हूँ, मैं, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, तो मैं आज जो ये सब देख रही हूँ, जो विकास हो रहा है अयोध्या का, बहुत अच्छा हो रहा है और देख के मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। पर एक अयोध्या निवासी होने के नाते मेरा सबसे ये कहना है कि ये हो रहा है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि यहाँ जो बाहर के लोग आते हैं हम उनसे लाइक अच्छे से पेश आए, हम अपने शहर को साफ सुथरा रखें। और एक कहावत है ना कि ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो बस यही कहना है मेरा कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है अयोध्या वासी होने के नाते, और मैं बहुत खुश हूँ। जय श्री राम। खड़े रहो, खड़े रहो। मैं बस सोच रहा था कि सीता मैया होंगी तो कैसी दिखती होंगी, ऐसी तो दिखती होंगी, है ना? अरे जोर से बोलो। हाँ, उस समय में दानव थे, ऐसे ही थे ऐसे थे, जो हाथ उठाया वही बता रहे। मैं बहुत खुश हूँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहता है, जो ये बात कहता है कि दायित्व है मेरे। बाहर से जो लोग आते हैं वो अयोध्या वासियों को देखते हैं, तो जब वो अपने देश में जाए, अपने प्रदेश में जाए, तो वो बाकियों से कहें ना कि अयोध्या वासी